तो की हालचाल भाई लोग, सब चंगा ही ना? होप्सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो एक ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स है, बहुत सारी साजिशें है सिर्फ आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग लोगों की थिंकिंग से अलग है। आप कुछ आगे बढ़ के सोचते हो, कुछ नया करना चाहते हो, और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती आपकी थिंकिंग और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप देना चाहते हो सोसाइटी की तरफ। पर सोसाइटी को लगता है आप उनके लिए खतरा, क्योंकि आप एक न्यू थिंकर हो। सोसाइटी को लगता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो सोसाइटी में रहने के लिए। पर आपका इंटेलेक्ट कब काम आएगा? आप अगर प्रूफ कर सकते हो कि आप रहने के काबिल हो कि नहीं हो, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी का बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एनोला होम्स, जो भी हाल ही में आई है, और ये वही एनोला होम्स है जो शेरलॉक की बहन है। तो इसमें तबाही लेवल का इंटेलेक्ट यूज किया है। तो अपन भी काय को वेट कर रहे हैं, अपन भी रिव्यू करते हैं। तो बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस मूवी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा मेन प्रोटैगनिस्ट की एक्टिंग देखने में और नरेटिंग देखने में। जी हाँ, इसमें सेल्फ नरेटिंग हुई है। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उन्होंने एक्टिंग और नरेटिंग दोनों करी है, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि हमें इनटू द सीन लाने में मेन प्रोटैगनिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों के साथ जो ऑडियंस होती है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपनी स्टोरी को कन्वे कर पाते हैं। और ये सेम चीज़ मैंने डेडपूल में भी देखी थी, क्योंकि डेडपूल को भी पता था कि वो एक कैरेक्टर है जो ऑडियंस से बात कर रहा है और उनको स्टोरी नरेट कर रहा है, उनको स्टोरी रहा है और साथ ही साथ एक्टिंग भी कर रहा है, जिसके वजह से स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंस होती है और एक तरह से मजा भी आता है देखने में, और हमको लगता है कि यार हाँ हम इनटू द स्टोरी जा रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से होती है, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होती है, पर उसकी लाइफ में कोई मेन एम्बिशन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। तभी उसकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो जाती है, उसकी मदर वैनिश हो जाती है, और ये पता नहीं चलता कि वो किडनैप हुई है कि सही में अपने विल के तौर पर गई है। कोई इंडिकेशन नहीं रहता, कोई हल्का सा हिंट भी नहीं रहता। तभी स्टोरी में एनोला के दोनों भाइयों की एंट्री होती है, उनमें से एक जो महान डिटेक्टिव शेरलॉक भी होते हैं। पर एक चीज पता है, इसमें हमेशा शेरलॉक की मूवी में शेरलॉक जो होता है मेन फ्रेम होता है, मेन हमारा जो ऑडियंस का अटेंशन होता है, पर इसमें वो साइडलाइन हो गया है, हल्का सा हिंट ले लो। तो अब सोचने की बात ये है कि एनोला खुद में खुद ही बहुत ज्यादा स्किल्ड है, और लेजेंडरी डिटेक्टिव को आप कौन नहीं जानते, शेरलॉक होम्स। जी हाँ, उसकी कैपेसिटी से आप लोग बहुत लोग वाकिफ होंगे। बात यह है कि वो अपनी मदर को सबसे पहले कौन ढूंढेगा, ये जितना बोलने में लेम लग रहा उतना है नहीं, क्योंकि इसको इसकी स्टोरी लाइन को बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लेआउट से कवर अप किया, जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है आगे जाके, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पर मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि एनोला के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये जिस टाइम पीरियड में हो रहा है वहां पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक फीमेल के लिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक इन्वेस्टिगेशन करना कितना हार्ड होगा। बस हल्का सा हिंट दिया हूं, मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया, समझे। ये मूवी जो है बहुत रिदमिक है, जो एक पैटर्न से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस हमेशा अपना अटेंशन इसके साथ रखेंगे और कभी बोर नहीं हो पाएंगे। इसके जो सिनेमेटिक शॉट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि इनने बहुत अच्छे तरीके से नेचर को कैप्चर किया है। साथ ही साथ इनने जो लेट 19th सेंचुरी की प्लॉटिंग का यूज किया है बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सही रियलिस्टिक हमें लगता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी स्टोरी लाइन में क्लासिकल टच आता है, और जो बहुत अच्छा है। अरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ, मुझको याद नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। तो इसका जो BGM भाई लोग मेरी जानी, इसका जो BGM है बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट है, बहुत लाइवली है, जिसकी वजह से बहुत प्लीजेंट मेलोडी बनती है जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। इसकी एक्टिंग में क्लासिकल एक्टिंग का टच है, जो हमेशा हमें हर कोई मूवीज़ में देखने को नहीं मिलता, जो बहुत यूनिक है इस मूवी का। स्टोरी जो है वो एक ट्रैक की जैसे सोचो, इसमें डायरेक्टर्स जो है डेविएट तो होते हैं मेन ट्रैक से, पर उनको बखूबी पता है कि किस पॉइंट पर वापस आना है फुल बूस्ट के साथ, जिसकी वजह से ऑडियंस भटकते नहीं रह जाए, उनको हमेशा स्टोरी के साथ स्टिक करके रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें डिटेक्टिव स्टफ कूट कूट के भरा है, मतलब माइंड रिडल्स इतने सारे हैं, साइफर्स ले लो, रिडल्स ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप स्टोरी के साथ स्टिक रहो, कहीं और मत जाओ। तो भाई लोग, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं, आप उसको एज अ कंक्लूजन ले सकते हो इस वीडियो का। देखो, जो मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी इस मूवी में ये थी कि इन्हें लेट 19th सेंचुरी का पूरा रियल प्लॉटिंग दिखाया, जो बहुत रियलिस्टिक था और बहुत इनोवेटिव था। इन्हें क्लासिकल एक्टिंग का टच दिया, जो हर मूवीज़ में नहीं देखने को मिलता, जो बहुत यूनिक लगा। साथ ही साथ इन्हें BGM सिनेमेटिक शॉट्स बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ इन्हें रिडल्स साइफर डिसाइफर बहुत अच्छे तरीके से इंटेलेक्ट को निचोड़ा है, जो बहुत अच्छा लगा है, जो बहुत सही था इस तरह की मूवीज़ के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस उसी के दम पे तो आपके साथ चिपकी रहेगी ना। और क्या भाई लोग, देखो हर चीज़ के फ्लॉज भी होते, तो इस मूवी के भी फ्लॉज थे, जो मेरे ख्याल से हम कभी भी होम्स बोलते या शेरलॉक होम्स, एनोला होम्स, तो मेरे दिमाग में इस मूवी के पहले एक ही जन का दिमाग में फोटो आता था, और वो थे शेरलॉक होम्स। तो शेरलॉक होम्स अपनी ही अलग लीग में, आपने टोनी स्टार्क का कैरेक्टर देखा होगा, जो एक्चुअली शेरलॉक होम्स मूवी में जो उन्होंने पार्ट किया था,
कितने इंटेलेक्चुअल दिखाए थे, पर इस मूवी में मेरे ख्याल से, अब मुझे पता नहीं स्क्रीन टाइम की कमी होने की वजह से या पता नहीं किस चीज़ की वजह से, इसमें इनका उतने अच्छे से इंटेलेक्ट नहीं दिखा पाया, थोड़ा डम टाइप का लगा मुझे। अब वो डायरेक्टर्स को पता होगा मेन कॉज क्या था, पर हाँ मेरे ख्याल से तो यही पॉइंट था। अगर मैं कुछ रियलिस्टिक पॉइंट्स के बारे में बात करूँ जो इस मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो सोसाइटी में एक्चुअली होता था और अभी भी कुछ कुछ जगह में होता है, तो देखो लेट 19th century में बहुत जगह में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, एक तरह से मेल डोमिनेटिंग ही सोसाइटी थी, जहाँ पर फीमेल्स को सोचा जाता था कि आप घर पर रहो, आप बच्चों को देखो, खाना बनाओ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेल्स हैं आपकी सारी केयर करने के लिए, ऐसा टाइप का था। पर आज के टाइम पे भी कुछ कुछ जगह ऐसा है, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ दबो मत, अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, सब अपने आप में एक अपनी ही लीग में है, तो अपने आप को प्रूव करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ ये तो करो कि हाँ अपने आप में सेटिस्फाई रहो कि आपने कुछ करा है अपनी लाइफ में, तो अपने फियर से ओवरकम ज़रूर करना, क्योंकि आप ही हो जो आपकी कमजोरी को जानता है और अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, तो प्लीज़ किसी के सामने झुकना मत, समझ गए। तो इसी के साथ आज के मैं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो को हम यही समाप्तम करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो काय का वेट कर रहे हो भाई लोग, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। साथ ही साथ आपकी कोई भी आर्ग्यू है, कोई भी सजेशन, कोई भी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाता हूं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, और क्या भाई लोग मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूं, वहां पे मूवी स्टफ, एनिमल स्टफ डालता रहता हूं, एक बार ज़रूर चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो एक बार जाके देखना, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहां पर भी अपने भाई को सपोर्ट करना। और क्या मेरे को लग रहा है यार मैं कुछ भूल रहा हूं, अरे मैं कैप पहनना भूल गया आज चलो यार तुम्हें याद था क्या, मैं तो कसम से भूल गया था, चलो कोई नहीं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और नए टॉपिक पे लाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा सायोनारा।